हे लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो फ्रेंड टीवी। और मेरा नाम है किटी। सो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हेयर कलर करते टाइम, स्पेशली जब आप घर पे हेयर कलर करते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है बिफोर हेयर कलर एंड आफ्टर हेयर कलर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इन सभी चीज़ों का जो जो मैं आपको बताऊंगी, और उससे पहले मेरे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम अपनी नई वीडियो लेकर आएँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक भी वीडियो हमारी मिस ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। द फर्स्ट इज कि बिफोर हेयर कलर आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। द फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप मार्केट से हेयर कलर का प्रोडक्ट लेकर आते हैं, इट कुड बी एनी ब्रांड, बट ट्राई योर बेस्ट कि कोई भी लोकल ब्रांड ना लें, ऐसा अच्छा ही कंपनी का हेयर कलर लें। उसमें केमिकल उसमें भी है नो डाउट, लेकिन ये है कि थोड़ा डैमेज होने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं उनका प्रोडक्ट नो डाउट अच्छे ही होते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको अमोनिया फ्री प्रोडक्ट ही लेना है, क्योंकि अमोनिया आपके बालों को ख़राब कर देता है, और इतना ज़्यादा ख़राब कर देता है कि आप पूरी उम्र फिर पछताएंगे। सो बेटर अमोनिया फ्री प्रोडक्ट लें। साथ में ध्यान रखिए कि इस कहीं पर भी ये ना लिखा हो कि ब्लीच है इसमें, तो ब्लीचिंग प्रोडक्ट नहीं लेना आपको। प्लस आपको जो इन्वेस्ट करना है अपने शैम्पू और कंडीशनर में, एक अच्छे कंपनी के शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करें, स्पेशली जिस पर लिखा हो फॉर कलर ट्रीटेड हेयर्स, क्योंकि वो उसमें एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो आपके बालों में जो आपने डाई किया होता है, कलर किया होता है, उसको जल्दी से फेड होने नहीं देता, जिससे आपके बाल अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट इज कि आपको ख्याल रखना है कि आपको एक पैच टेस्ट ज़रूर करना है, और हर हाल में करना है। और ऐसा नहीं है कि 4 साल पहले मैंने हेयर कलर किया था तब तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, दैट मीन्स कि आई एम नॉट एलर्जिक टू एनी कलर। नो, एवरी टाइम यू यूज़ योर हेयर कलर, चाहे आप हर महीने लगा रहे हैं, चाहे आप हर 4 महीने बाद लगा रहे हैं, एवरी टाइम यू जस्ट डू अ पैच टेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी में कई बार ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि हमें मे बी हम ऑल ऑफ सडन, पहले हम एलर्जिक नहीं थे बट मे बी हम एलर्जिक हो। सो इसलिए किसी भी तरह के बाद में प्रॉब्लम होने से बेटर आप पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर करें। एंड ऑल्सो रिमेंबर द फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपने आज सिर धोया है और आज ही आप हेयर कलर लगा रहे हैं, नो, नेवर एवर डू दिस थिंग। आपने आज सिर धोया है तो अब कम से कम 2 दिन के बाद ही आपको कलर लगाना है, या फिर आई वुड सजेस्ट यू कि 3-4 दिन के बाद ही हेयर कलर लगाएं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 2 दिन यू हैव टू वेट, यू मस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि हमारा जो बॉडी में जो नेचुरल हमारा जो स्कैल्प प्रोड्यूस करता है, एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, वो आपके बालों को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है कि जो आपके कलर्स आप लगा रहे हो और उससे डैमेज इतना होता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बट येस एनी हाउ केमिकल है, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालेगा ही ना, बट ये रिक्वायरमेंट भी है तो आपको लगाना भी है। तो थोड़ा सा हम लोग इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि किस तरह से करना है कि जिससे आपका डैमेज कम हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप अपने बालों में टचअप दे रहे हैं, या फिर रूट से ही आपके बाल वाइट हैं, ग्रे हैं, आपको वो वाइट करना है, एनीथिंग, अगर आप अपने रूट से कलर लगा रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग इज मस्ट अप्लाई वैसलीन एट योर हेयर लाइन, क्योंकि आपकी स्किन पे भी जब हेयर कलर लग जाता है तो वहाँ पे भी कलर आ जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ अ मस्कारा ब्रश या फिर टूथ ब्रश और एनीथिंग एल्स, कि आप पहले आपको वैसलीन लगानी है हेयर लाइन पे, देन जब आपने लगा लिया उसके बाद आपने मस्कारा ब्रश या फिर टूथ ब्रश से लेकर अपने जो आपके रूट्स हैं फ्रंट लाइन में, उससे आप अपने बालों को कलर लगा के इजीली अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे अपना हेयर कलर। उसके बाद आपको जो मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी कि पैच टेस्ट ज़रूर करना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर बॉक्स में जो भी इंग्रेडिएंट, प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि मे बी आपने कलर स्विच किया है या कुछ भी किया है, ब्रांड स्विच किया है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हो, एक बार ज़रूर थोरली रीड आउट कर लो ताकि कुछ भी रह ना जाए। प्लस ध्यान रखिए कि जब भी हम कभी हेयर कलर लेकर आते हैं उसमें जो भी कलर दिख रहा होता है ना बॉक्स पे, कार्टन पे, उसके कि भी ऐसा कलर आएगा, डोंट कीप योर एक्सपेक्टेशंस हाई कि ऐसा ही आएगा, 100% एग्जैक्ट कभी भी नहीं आता, थोड़ा बहुत चेंजेस रहते ही हैं, 19-20 का डिफरेंस रहता है। एंड ऑलवेज वियर अ वाइट ओल्ड टी शर्ट, नॉट वाइट, एनी ओल्ड टी शर्ट जब भी आप कलर अप्लाई करें। तो ये था कि आपको स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी हेयर कलर लगाना है ना, आफ्टर हेयर कलर, जब आपने हेयर कलर लगा लिया है तो तब क्या आपको चीज़ों का ख्याल रखना है। द फर्स्ट थिंग इज़ SLS फ्री शैम्पू, क्योंकि अगर आप नॉर्मल सा कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपके कलर को जल्दी से फेड कर देगा। द नेक्स्ट इज़ कि आपको जब भी
एक बार आपने हेयर कलर लगा लिया और वॉश कर लिया अपने बालों को, उसके बाद आपने जब भी अगर सिर धोने का प्लान कर रहे हैं, हेड बाथ का प्लान कर रहे हैं, तो जस्ट 48 आवर्स का वेट करो और उसके बाद ही सिर दो, अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो। नॉर्मल अगर आप रूटीन में वॉश कर रहे हैं, यू शुड वेट फॉर 48 आवर्स। एंड साथ में आपको, एज आई टोल्ड यू, स्पेशल हेयर कलर ट्रीटेड जो हमारे शैम्पू कंडीशनर होते हैं, आपको उन्हें यूज़ करना है। और हाँ, साथ में डीप कंडीशनर्स आर सीरियसली वेरी मस्ट फॉर यू। हर हफ्ते डीप कंडीशनर्स करें, क्योंकि इससे आपके बाल बहुत सिल्की स्मूथ लगते हैं और इससे आपका कलर भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, शाइन करता है आपके बालों में। और बैक टू बैक कभी भी कलर ना करें, इससे आपके बाल थोड़े से डैमेज हो सकते हैं। सो गाइस, आज यह थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपडेट करते हैं। और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हम और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं लाइक फेसबुक। सो थैंक यू सो मच।